नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चारा घोटाले से जुड़े मामले में सजा काट रहे राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को रांची की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया। बता दें कि लालू 10 मई को अपने बेटे तेज प्रताप यादव की शादी के लिए बाहर आए थे, जिसके बाद अब करीब 110 दिन बाद वो जेल लौटेंगे, जिसके बाद लालू को कोर्ट से जेल ले जाया गया। इसके बाद उन्हें रिम्स अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। सरेंडर करने से पहले लालू यादव ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो उसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारी कोई इच्छा नहीं है। हालांकि लालू ने कहा कि रिम्स अस्पताल में सुविधाओं की कमी है, वहाँ पर इन्फेक्शन फैला हुआ है। लालू यादव पिछले कई दिनों से जमानत पर थे, वो मुंबई में अपना इलाज करा रहे थे। लालू के सरेंडर करने से पहले गुरुवार को झारखंड विकास मोर्चा चीफ बाबूलाल मरांडी ने रांची में उनसे मुलाकात की।